Hello students of class 7. Now we will continue with the next exercise 1.3. Let's start with question number 1. So the first question is find each of the following products. So the first part is 3 multiply minus 1. So you can see here, I have written here. If 3a is and 1 minus b is, then when multiplications, what property is a and b multiply, then the answer will be नेगेटिव में आएगा. तो 3 1 3 होगा तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. नाउ बी पार्ट, माइनस 1 मल्टीप्लाई 225. यहाँ देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक डिजिट आपकी नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव में आएगा. तो ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 225 कितना हो जाएगा, माइनस का 225. सी पार्ट, माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 30. तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, वैल्यू प्लस में आएगी आपकी. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 21 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा आपका, 630. तो आंसर किस में आएगा आपका, पॉजिटिव में. ठीक. नाउ आई पार्ट, यहाँ पर आपको दिया है माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 4. तो आपको मैंने पहले ये बताया कि अगर वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव में है तो आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा. तो अगर हम यहाँ देखें, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2 पॉजिटिव में आएगा. हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास लेफ्ट क्या है, मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 4. तो मैं अगर इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 6, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आपकी नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव 6 में आएगा. क्या बचा अब आपके पास, मल्टीप्लाई 4. तो 6 4 20 24, वही प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, ए मल्टीप्लाई माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का ए बी. तो 6 4 20 24 और आंसर आएगा आपका नेगेटिव में. तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में माइनस का साइन ऑड टाइम्स है, सी है 1 2 3, ऑड टाइम्स आपका नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा. नाउ कम टू जे पॉइंट, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1. अब आप यहाँ पे साइन चेक कर लीजिए, कितने टाइम्स दिया हुआ है, ऑड टाइम्स है इवन टाइम्स है. तो हम देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 क्या होता है आपका, इवन होता है. तो इवन टाइम्स जब आपका नेगेटिव साइन होगा तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. तो हमें यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई है कि हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा. तो अब सॉल्व करते हैं, हमने पहले स्टार्टिंग की 2 डेज ली, 6 3 मल्टीप्लाई 6 3 6 12 सॉरी 6 6 3 18. तो आंसर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया. मल्टीप्लाई क्या बचा अब आपके पास, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1. तो आप देखेंगे जब आप 2 नेगेटिव डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा. तो 2 1 2 हो जाएगा. अब आपके पास क्या बचा, 18 मल्टीप्लाई 2 18 2 36 हैज योर आंसर इन पॉजिटिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग. आपको वेरीफाई करना है और दोनों डिजिट दोनों साइड्स को क्या करना है, चेक करना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है. दिस इज़ योर LHS साइड, दिस इज़ योर RHS साइड. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड. सो लेट्स चेक आउट, ये आपका 18 है मल्टीप्लाई 7. आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है और ये माइनस में दिया हुआ है. तो जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा. नाउ इक्वल टू का साइन, दिस इज़ योर 18 7 से कितना होता है आपका, 126. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 18 3 ज़ा. मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर ए मल्टीप्लाई और एक साइन आपका नेगेटिव में दिया हुआ है एक डिजिट तो आंसर नेगेटिव में आएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 54 आ जाएगा. तो आप इसको सॉल्व करते हैं, लेचे इसको 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 कितना होगा, 4. एंड हेयर यू हैव 126, दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा आपका. ओके, नाउ व्हाट वी हैव, 18 4 ज़ा कितना होता है, 72 होता है. और 126 में से जब माइनस करेंगे आप 54, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
72. So हमने देखा LHS equals to RHS. This is verified. Now B. So B part is minus 21 multiply minus 4 plus this and this. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, माइनस का 21 दिया हुआ है, ओके, ब्रैकेट में माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस 6 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा. हेयर ऑल्सो टू डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव में आपका आंसर आएगा. तो 21 4 से कितना हो सकता है, हो जाएगा आपका 84. सेम हेयर, माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस का 6, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा. सो अब आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका माइनस का 21 है एंड दिस इज़ माइनस 4 माइनस 6, दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करने पर 10 आएगा आंसर, लेकिन साइन बड़ी डिजिट का आएगा तो वो क्या है आपका, माइनस. RHS साइड देखेंगे आप, 84 प्लस 126, सिंपल. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर क्या जाएगा आपका, 210. आपको ऊपर भी बताया मैंने कि कोई टू डिजिट आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों नेगेटिव में है तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव. माइनस माइनस प्लस, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा. क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई. ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, 84 प्लस 126 है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 210. तो आपने देखा LHS equals to RHS.